अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 21 अप्रैल और आज रमजान की चांद रात है, जैसे कि कल ईद है हमारे हैदराबाद में, इंडिया में कल ईद है। और आप लोग को मालूम होगा कि कुछ देर पहले, जैसा कि 3-4 घंटे पहले, रहीम खादरी उनके गुंडे दोस्तों को लेकर हमारे घर पर आए थे और उन्होंने एक मौके का फायदा उठाने की कोशिश करे। उन्होंने एक अपनी गंदी नीयत, गंदी सोच के साथ आए थे कि घर में कब्जा करूंगा बल्कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख मैं शुक्र अदा करती हूँ परवरदिगार का कि अल्लाह अल्लाह के रसूल हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हम लोग मौजूद है। रहीम खादरी को हमने पुलिस के पास हम जाके कंप्लेंट करवा चुके हैं। रहीम खादरी यहां से भाग चुके हैं, इस वक्त उन्हें यहां पर नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ मौजूद हूं। एक उन्होंने अपनी जो गंदी नीयत लेके आज घर में घुसे थे, घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आए, जबकि मैं मेरी बेटी काम से बाहर गए हुए थे मेरे बेटे के साथ, मेरी छोटी बेटी घर में अकेली थी। जैसा उन्होंने घर में, अरे घर में जब कोई इंसान, चलो आप बोल रहे हैं लोगों के सामने बोल रहे हैं, मेरे बच्चों से मिलने गया था, मैं घर में गया था, मैं कंप्रोमाइज के लिए गया था, कंप्रोमाइज करने वाला इंसान हाथ में चाकू लेके आता, घर का दरवाजा लाता मार के तोड़ के घर में घुसते कोई इंसान? वो जैसा वो लोग घर में घुसे, मेरी बच्ची जाके अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लेके अपने आप को सेफ कर ली ने, वहां पर घर में घुसे, कबर्स खोल दिए, क्या क्या तमाशे करके क्या। रहीम खादरी आप लोग भी देख लेंगे, खुद ठहर के अपने पर वीडियो बना ले रहे, मैं घर में हूँ, पला हूँ, बोल रहे हैं, हेल्प हेल्प बातें कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, हम आपको बार बार आना, वीडियो में बोलना हमारे को खुद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम खुद चाह रहे हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ हम बार बार जाके किसी को नहीं बताना चाह रहे, लेकिन लेकिन हम आपको अमदन नहीं चाहते हुए भी हमको नहीं चाहते हुए भी हमको वीडियो में फिर से हमको बोलना पड़ रहा कि हम हमारे घर में मौजूद है, क्योंकि कई सारे लोगों के मुझे कॉल्स आ रहे हैं, क्या मैडम आपको घर से निकाल दिए गए थे, रहीम खादरी घर कब्जा कर लिए गए थे, घर में आ गए कहते, इस तरीके से कॉल्स आ रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही कि हम हमारे घर में मौजूद है, मेरे बच्चे हैं यहाँ पर, रहीम खादरी आए थे यहाँ पर, बहुत ज्यादा उन्होंने धूम मचा के गए, बहुत ज्यादा उन्होंने यहाँ पर तमाशे करे, यहाँ पर आके इतना तमाशा करके गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खानू ने हमारा पूरा साथ दिया और उनको जिस तरीके से यहां से उनको भगाना था हम यहां से उनको भगा चुके हैं। और मैं आप तमाम लोगों से यही बोलूंगी कि प्लीज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माँ दाखिल औरते, जो भाई मेरे, अगर आप लोगों को रहीम खादरी अच्छा दिखता होगा या उसका बकवा या उसका पुकारना, उसको गंदे इल्जाम लगाता जब उन इंसान पे, तो आप लोगों को मजे लेने की आदत होंगी। आप लोग बेशक लो, आप लोग आपको जैसा एंजॉय करना है उसकी वीडियो देख के एंजॉय करिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरे मासूम बच्चों का थोड़ा ख्याल करो, आप मेरे बेटे का ख्याल करो, इनका कैरियर का ख्याल करो, अल्लाह के वास्ते इनका कैरियर का सोच के, अपने छोटे बहना है, अपने घर की बेटियां तो भी समझ के आप लोगों का ख्याल करके कम से कम वो वीडियोज के ऊपर आप लोगों को वाह वाही करते हुए कमेंट्स देते हुए, बेकारी के बेवकूफी के कमेंट्स जो दे रहे हैं आप लोग प्लीज वो मत दीजिए। और हम लोग ड्रामा फैमिली हम नहीं है, आप रहीम को जो बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए, रहीम से हमारा ताल्लुक नहीं है, ना हम उससे कांटेक्ट में है, ना हम उनसे कंसल्ट में है, लेकिन आप लोगों से बस मैं इंतजार करूंगी कि प्लीज रहीम खादरी जो भी वीडियोस बना रहा है उस पर आप लोग उसकी वाहवाही करने के बजाय उसको नसीहत दो कि एक मर्द आदमी को कैसी जिंदगी गुजारना है, एक मर्द आदमी को कैसा अपने घर वालों के साथ रहना रहता, वो उसको आप लोग नसीहत करिए, ताकि आप अगली बार जब उन्हें दूसरी शादी करेंगे तो कम से कम वो दूसरी बीवी को तो भी अच्छा रख लेकर रहा, तो बस समझे आप, हम आपको उनसे कोई देना देना नहीं है, हम उनको कोई चीज से हम उनको अपनाना नहीं चाह रहे। और ये मेरे बच्चे देखिए, आप मेरे बच्चे की हालत देखिए, मासूम बच्चे की, मेरा बेटे की, अपने भांजे को ने शेख मजहर को साथ में लेकर आया, उबे चाउस जो सालम चौक पे रहता, दही का कारोबार कर रहा हूँ, ये स्टेजा सजाने का कारोबार करता हूँ बोलता, लेकिन इतना बदमाश इंसान है, उन्हें हार्ट का पेशेंट हूँ बोलता, लोगों को किडनी पेशेंट हूँ बोलता, लोगों को बेवकूफ बनाता, लेकिन सट्टा खिलाता, आईपीएल मैचेस जब चलते ना उसके पास सबसे बड़ा जुआ उसके पास चलता सालम चौक के चौरस्ते पे, समझे। और एक फेरस बोल के उसका दोस्त है, उन्हें भी साथ में रहीम के आज आया था, जो ऑलरेडी मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है, मर्डर करे हुआ है, उसकी रॉडी शीट थी पहले भी, और ऑटो चलाता है, लेकिन ये मर्डरर है, उसको रहीम साथ में लेकर आया। मजर एसके मजर जो उसका भांजा है, इतनी गलीज गंदी जबान वाला, उसके ऊपर खुद कई केसेस है, वो उसको भी साथ में लेकर आया। तो ऐसा करके उन्होंने घर में अब लोगों को बोले थे, फिर रहेंगे रहीम खादरी मैं कंप्रोमाइज के लिए गया था, मोलसाबों के कोसे मोलसाबों को लाए 500-500 रुपए दे के लेके आए, मोलसाबों को वो उन लोगों की सूरतों से दिखता है, दिख रहे हैं, तभी उन लोग इमामा दिख रहे, मौजामा दिख रहे, वो मुफ्तियां दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को लेके आके गुंडागर्दियों को, गुंडा करने वालों को लेकर के घर का दरवाजा तोड़ के प्रखर वो कर देते हैं हमारे पास आके। देखिए ये जो तरीका है, मैं भी अगर चाहूं तो मैं भी बहुत बोल सकती थी, मेरे बच्चे भी चाहे तो वीडियोस बना सकते थे, हम भी रहीम खादरी के जो जो गंदे इल्जाम है उसके हम सवाल का जवाब दे सकते, लेकिन हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम ये चीज करें। आज भी मैं यकीन मानिए, आज भी मैं इतना वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन कई सारे लोगों के ये जो वहम हो गया, कई सारे लोगों के रहीम खादरी कब्जे में है, घर पे आ गया, घर में रह रहा, बीवी बच्चे बाहर है, बल्कि इस वजह से हम आपको बताना पड़ रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर में है, खानू ने हमारा पूरा साथ दिया, हम लोग हमारे घर में सब मौजूद है, आप देख सकते हैं पूरा मेरे घर में मैं बैठी हुई हूँ और मेरे बच्चे भी बराबर बहुत से लोग। और मैं आप लोगों को एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि जितने मुसलमान हैं या आप अगर गैर मुस्लिम भी है तो आपके अंदर थोड़ी सी तो इंसानियत होंगी ना। कौन सा बाप औलाद के साथ जुल्म करता आप मेरे को बोलिए। ठीक है, एक जने मेरे को फोन करे थे जिससे मेरी बात हुई, उनको कॉल मेरे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दिए, उसके बाद सब जने बोल रहे हैं कि भाई
बेटी बाप को कैसा बोलती, बेटी बाप को ऐसा कैसा बोलती, बेटी कौन है बाप को माफ करने वाली, तो आप मेरे को ये बात बोलिए, बाप कौन है बेटी पे हाथ उठाने वाला? अपना इस्लाम ये इजाजत नहीं देता ना बाप को। चले ठीक है, हम वो भी बर्दाश्त करें, हम बाप की गाली बर्दाश्त करें, हम बाप का मार बर्दाश्त करें, हम बाप का जुल्म टॉर्चर हर चीज बर्दाश्त करें, लेकिन जब हमारा बाप, हमारे खुदा, हमारे अल्लाह को जब उन्हें गाली दे रहा, नौज़ बिल्लाह, हमारे रसूल के बारे में अगर उन्हें गलत बात कर रहा, तो हम कैसा सुनना? हम मुसलमान है ना, हमारे जब भी अल्लाह का वास्ता दो, रसूल का, रहीम अल्लाह से डरो, रहीम अल्लाह के रसूल से डरो, रहीम तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम क्या क्या बोल रहे हो, रहीम तो इंसान एक ही बात अल्लाह की बोल के गाली देता था, नौज़ बिल्लाह माफ करे अल्लाह, इस तरीके के उसके अल्फाज आते, तो ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारना, फिर भी अल्लाह गुजार दे क्या, लेकिन खत्म हो गया। लेकिन आप नहीं कर सकते हम लोग, और अल्लाह के बारे में हमारे गलत नहीं सुन सकते हम लोग, ठीक है, हमारे अच्छा चलिए बाप है, बच्ची से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, उनको जब मालूम है घर में बच्ची बोल रही है, आकर चीख चीख के बोल रही डैडी मैं अकेली हूँ घर में, तो दरवाजा तोड़ के घुसता बाप, आप आपकी बेटी के साथ ऐसा, अरे बाप तो कमरे में घुसने, बेटी के कमरे में जाने से पहले नॉक करता ना, दरवाजा तोड़ के बच्चों के कमरे में घुसते, दरवाजा तोड़ के बच्ची को डराते, हाथ में हथियार लेके आते बच्ची को डराने, ऐसे बाप रहते क्या? हम लोग आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदा के वास्ते ऐसे रहीमुद्दीन खादरी के वीडियोस को आप लोग प्रमोट मत करिए, ऐसा बाप जो प्रॉपर्टी के वास्ते लालच में आके बच्चों को गिन दे रहा, ठीक है, सिर्फ चंद प्रॉपर्टी, चंद पैसे के वास्ते मेरी जिंदगी तबाह करने के वास्ते, मेरे को ब्लैकमेल करने के वास्ते हर एक चीज कर रहे। अरे कौन सा ऐसा बाप रहता जी बच्ची का रिश्ता तोड़ने के लिए ससुराल वालों को गालियां दे देते, बच्चे को उठा के क्यों देते गालियां, उनका एक ही मकसद है कि नबिया का रिश्ता टूट जाना, इन लोगों का घर में बैठ जाना, बच्चे कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी औलाद का बुरा करता सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, ये जायदाद के लिए, जबकि वो तुम्हारी कमाई भी नहीं है, तुम तुम्हारा भांजा मजहर, तुम्हारा दोस्त उबेद चाउश, रहीम खादरी और तुम्हारे साथ में जो और कौन था फेरोज और जितने भी जने तुम्हारे साथ में थे ना, बराबर कानून उन लोगों को देखेंगा और बराबर मैं उन लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करूंगी, तुम लोगों को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, जो जो रहीम का साथ करें मैं बराबर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। और ये रहीम खादरी जो वीडियोस बना के अपने आप को जो पहलवान समझते ना, इन्हू हिजड़े है, इन्हू नामर्द है, नामर्द होने की वजह से आज खाली वीडियोस का गेम खेलते हैं, कोई भी रहो चाहे वो पुलिस वाले रहो या पहलवाना रहो, पॉलिटिशियन रहो, सबको झूठ, सबको झूठ के वीडियो बना के कौन सा इंसान जीतता जी? अरे अल्लाह की नजर में तो तुम जीतने वाले नहीं है ना, चलो थोड़ी देर को लोगों को बदनाम कर देंगे, लोगों को एक दूसरे से दूर कर देंगे तुम, लेकिन अल्लाह के पास तो जवाब देना है ना, सूरत देखो रहीम खादरी कैसी हो गया, तुम्हारा चेहरा देखो, तुम्हारे चेहरे से लानत परस रही, तुम्हारे चेहरे से आज मेरे को तुम मजबूर करे वीडियो में आने के लिए, समझे, मैं 3 महीने तक वीडियो में नहीं आने वाली थी, मैं 3 महीने में इज्जत की गुजारने वाली थी, लेकिन आज मेरे को मजबूर करा रहीम खादरी फिर से वीडियो में आने के लिए, लेकिन मैं अल्लाह से ये दुआ करूं कि अल्लाह ताला बस हम लोग का बराबर साथ देंगे, पर अल्लाह से हमारी दुआ है, और जितने भी मेरे भाई बहने माता के लौटते प्लीज आप लोग अफवाहों पे मत जाइए, रहीम खादरी इतना बड़ा झूठा इंसान है, मैं आप लोगों को कई बार ये चीज समझा चुकी हूँ कि प्लीज रहीम खादरी के बातों पे भरोसा मत करिए, ये आदमी खाली ऐसा मिनटों में ऐसा बात को पलट के मिनटों में झूठ बोल देता है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज ऐसे महमुद्दीन खादरी के वीडियोज को ना लाइक करिए, जितना हो सके उनके वीडियोज को बायकॉट करिए, उनको कमेंट्स देके आप उनको शेयर दिला रहे हैं, देखिए आपको ये चीज मालूम, गुनहगार अगर कोई गुनाह कर रहा है और आप उसको हंसते हुए उसको आप हिम्मत अफजाई कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह है, अगर इसके बावजूद भी अगर मुसलमान भाई मेरे या बाप दादे जितने लोग हैं जो या मुसलमान बहने हैं, लेडीज रहो जेंट्स रहो, नॉन मुस्लिम्स भी अगर है, तो मैं आप लोगों को बस एक ही बात बोलूंगी कि खुदा के हस्ते इंसानियत के नाते ही आदमी को ब्लॉक करिए, अगर नहीं तो अल्लाह करे कि आपकी माँ या आपकी बेटी के साथ भी ऐसा शोहर मिले, ऐसा बाप मिले, हो सकता जब आप लोग ऐसा सुनेंगे इस चीज का, अल्लाह आपकी बहन को या आपकी बेटी को ये दिन दिखाए अगर आप लोग ऐसे रहमुद्दीन खादरी का साथ दे रहे तो। और एक बात मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा घर तोड़ने का ऑर्डर आया था, कोर्ट से ऑर्डर था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है जितने भी लोग हमारा सपोर्ट करे, खाजा बिलाल भाई को लोग फोन आ करके बोल रहे घर तोड़ा दे घर तोड़ा दे, घर नहीं टूटा, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ नीचे की जो बाउंड्री वॉल थी वो एक रूल्स के ताल्लुक से थोड़ा तोड़ना पड़ा, क्योंकि एक रूल्स होता है कुछ तोड़ के बताए बल्कि रहता बल्कि तोड़ के बता दिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर अच्छा है किसी, लेकिन रहीम खादरी बार 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 क्या करना चाह रहे मालूम, घर कैसा नहीं टूटा, रहीम खादरी को एक ही खा रहे कि घर कैसा नहीं टूटा, घर टूटना बल्कि इस वजह से लोग बार बार एक आगे वाले को क्या कर रहे हैं, गुस्से में ला रहे हैं, बलगरा रहे हैं आगे वाले को, वो कर रहे हैं कि तुम लोग घर कैसा छोड़े मेरा तोड़ डालो पूरा घर, बल्कि बार बार ख्वाजा बिलाल का नाम लेने की क्या जरूरत है भाई, बार बार हमारे दूसरे दुश्मनों का नाम लेके क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग फिर से जाओ घर पे अटैक करो, घर को तोड़ो, कुछ भी करो, नाहिदा खादरी को बच्चों को घर के बेघर कर दो,
रहीम खादरी का यही मकसद है। ये वजह से रहीम खादरी पूरे जनों को जितनों को भी गालियां दे रहे हैं फेसबुक पे आकर, जितनों को भी टॉर्चर दे रहे हैं, एक ही मकसद से टॉर्चर दे रहे हैं कि मेरे को यहाँ पर मेरे बच्चों के साथ रहने नहीं देना। जबकि जलपली के जो अब्दुल्ला सादी है, अहमद सादी, उन लोगों का क्या कसूर है बोलिया, उन लोग क्या हमारे साथ बुरा करके, उन क्या हमारे को दूर दूर तक बेचारे हमारे को कुछ नहीं करे, लेकिन उन लोगों का नाम लेकर ना उन लोगों को बदनाम करे, क्यों उन लोगों मेरे को जलपली में रहने नहीं देना, उन लोगों कुछ भी मेरे से खार पकड़ना। बेचारे विश्व पटेल भाई उम्र के लिए गए हुए थे, उनके भी वीडियो फोटोज लगा के, उनके भी वीडियो बना के, उनके भी हेल्प बोलना शुरू कर दिए, तो क्या जरूरत है रहीम खादरी को सब चीजा करने की, क्या चाह रहे रहीम खादरी? अखर रहीम खादरी का मकसद एक ही है, आप लोग समझिए, रहीम खादरी एक ऐसा इंसान है शायद ही मैं उसको कोई चीज की मिसाल, गंदी से गंदी चीज की उसको हम मिसाल नहीं दे सकते, वो ऐसा इंसान है। आप सोचिए बीवी बच्चे जब उसके इतने खिलाफ होंगे तो कुछ तो वजह होंगी ना, कुछ तो हम लोग उसका उसके टॉर्चर से हम लोग एक वो हो गए थे, परेशान हो गए थे, बोलिए हम ये कदम उठाएंगे ना। सोचिए आप इतने दिन से हम वीडियोज बना रहे लेकिन हम उसका जवाब नहीं दिए। चाहे तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती, मेरे वालिद को बोले, मेरे वालदा को बोले, मेरे बहनों के भावज की फोटो लगाती हूँ, क्या मैं चाहूँ तो उनके खिलाफ वीडियो नहीं बना सकती थी? क्या मेरे बच्चों के खिलाफ नहीं बोल सकते थे? हम सच को झूठ, झूठ को सच, उन्हें कैसा कर रहे हैं नहीं बता सकते थे? कौन के जेल को? मैं जेल को 3 दिन रह के ही बोले रहीम खादरी, प्रूफ निकाल के बताओ कितने दिन जेल को रह के तुम तुम्हारा भांजा में के गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि अरे जब औरत खामोश है, बच्चे खामोश है, तो इसका मतलब कुछ तो होगा कि इन लोगों का वाकई में रहीम खादरी इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। इतना आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में बैठे से लोगों को खामोशी से ब्लैकमेल करते जा रहा है इन लोगों को, पर्सन बच्ची का वीडियो बना के आग कर दिया बोले। कौन सा बाप जिंदगी में अपनी औलाद को आग करता है? क्या है तुम्हारे के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी रखी हुई है, भीख पति बन के तुम लोगों को जबरदस्ती की झूठी वीडियो बना दी, 5.5 करोड़ का आदमी हूं मैं बोले, जबकि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था, तुम हो ना बोले झूठी शांति खाने के लिए वीडियो बनाए, आज बच्ची के बारे में आग कर दिया बोले। तुम्हारे था क्या बच्ची तुम्हारे क्या मांग रही थी जो तुम आग कर दी? बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ी? उल्टा तुम बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे, उसकी सहेलियां हैं, माँ है, यहाँ क्या जरूरत है? बोला छोटी सी बात सोचो आप लोग, उसको क्या जरूरत है रहीम खादरी को के बच्चियों के सहेलियों के नामा लेने की, पता नहीं वो सहेली ये सहेली कई को, रहीम खादरी नबिया खादरी को ब्लैकमेल करना चाह रहा, नबिया को ब्लैकमेल करना चाह रहा था रहीम। प्लीज हम लोग ड्रामा फैमिली नहीं है और हम भी आपके सामने आके वीडियोस बनाने का हमारा शौक नहीं है, मैं भी ये पर्सनल लाइफ अपने बाहर निकालना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मेरे को मजबूरन आज बोलना पड़ा कि मैं मेरे घर में मौजूद हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं हमारे घर में मौजूद हूँ। बताइए बेटे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हम लोग मौजूद है और हमारे खानों पे पूरा भरोसा है, और हमारे खानों पे पूरा भरोसा है, कानून बराबर हमारा साथ देगा, हमारे पूरा कानून पे भरोसा है। और मैं अपने हुकूमत से ये कहना चाहूंगी कि ऐसे इंसान को फौरी पीडियाट लगा के जल्द से जल्द इसको अंदर पीडियाट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान बाहर रहने के काबिल का नहीं है। इन्हें लोगों की इज्जत उछालना, लोगों का खिलवाड़ करना, लोगों की इज्जतों से खेलना, झूठ बोलना, गीबत करना, गंदी आदत इसकी अंदर भरी हुई है। कोई आदमी से लड़ रहे तो उसकी बीवी बच्ची को बोलते हैं, उसकी बीवी पे, उसकी बच्ची पे, उसकी बहन के ऊपर गालियां देते हैं, इससे तो अपना अंदाजा लाओ कितना गलीस इंसान है वो। जब वो इंसान किसी की बेटी की बीवी की परवाह नहीं कर रहा, किसी की बेटी को उठा के गंदे इल्जाम लगा रहा है, जाहिर बात है वो इंसान औरत को तो हथियार बनाते हैं, अगर किसी के घर में औरत है तो वो किसी के उनके लिए हथियार है, तो उनके लिए हथियार है वो, क्योंकि लड़ने के लिए एक औरत को बदनाम करना बहुत आसान रहता है। कोई भी इंसान को जब जीतना है तो एक औरत को बदनाम कर दो, उन्हें जीत जाता, ये समझता इंसान। तो रहीम खादरी के लिए कोई भी औरत को बदनाम करना बहुत आसान काम है, लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ी सजा है। और यकीन मानिए पूरा रमजान मैं मेरे बच्चे एक ही दुआ करें बस हम लोग, या अल्लाह रहीम के शर से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह रहीम के शर से हमारी हिफाजत फरमा परवरदिगार, बस यही हमारी दुआ रही हमेशा बस। और आज भी हम यही दुआ करें कि अल्लाह हम आपको रहीम के जैसे दज्जाल इंसान से हमारी हिफाजत कर, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे बेटे की हिफाजत कर। बस आप लोगों से मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज उसके इल्जामों पे आप लोग यकीन करते करो, नहीं करते न करो, हमको से कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन कमेंट्स मत दीजिए नब्बो रानी, अरे शर्म करो, तुम्हारी बहन के साथ अगर ऐसा होता, तुम्हारी बहन के बच्चों के साथ ऐसा, तो तुम लोग ऐसा नामा लेते फेसबुकों पे बच्चियों के? हाँ रहीम खादरी तो पागल हो गया, दिमाग से निकल गया दिख रहा हूँ, उसको तो एहसास ही नहीं औलाद क्या चीजें नहीं मालूम हो रहा उसको, लेकिन कम से कम आप लोगों का तो दिमाग से काम करो, आप लोगों को अच्छा दिख रहा किसी की इज्जत उछाल लेना। मेरे भाई आप लोग से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी फैमिली ड्रामा फैमिली नहीं है, अल्लाह के वास्ते हमारे को इनामा मत लगाइए। और मैं मेरे बच्चे रहीम खादरी के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाह रहे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैं तो अपने इस्लाम में ये शिर्क नहीं कर सकती, मेरे लिए हराम है वो इंसान, बस खत्म। कई लोग कई हदीसानी के कमेंट्स में डाल के बोल रहे हैं ये पढ़ो ये करो ये हदीसे वो हदीसे, वो कुछ भी होंगी जब आपके ऊपर बीतेंगी, जब आपके साथ में अल्लाह ताला वक्त लाएंगा तो जब आपको समझ में आएगा। जो इंसान अल्लाह रसूल को नहीं मानता उसके साथ नहीं रहना है। अल्लाह ताला बोला जो इंसान के अगर हमारे माँ बाप भी अगर हमारे अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे रसूल के खिलाफ जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी कुर्बान करना है, माँ बाप को भी अल्लाह के हमारे खुदा के सामने कुर्बान करना है। तो ये तो ऐसा गंदा जाहिल इंसान है,
ये इंसान के वहां पुणे होना, जो इंसान हमारे अल्लाह को गाली देता, हमारे रसूल को गाली देता, वो भी इंसान वहां पुणे हम इसके साथ नहीं रह सकते। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।